एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अनदर मीशो हॉल, जिसमें कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ 7 प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, किचन हर चीज़ के अंडर आता है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी जो है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना वो गर्मियों से रिलेटेड है। यार गर्मी आ चुकी है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है तो गर्मी को कैसे भूल सकते हैं, राइट? तो उसके लिए जो है मैंने ये वाला प्रोडक्ट किया। ये मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम था तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा आपको दिखाने के लिए। मैंने इसमें आइस भी जमा लिया है, यूज़ भी कर लिया है ताकि इसका जो एक्चुअल रिव्यू है मैं आपको दिखा सकूँ। सो प्रोडक्ट मैं धीरे से खोल रही हूँ, इस तरीके से दिखता है ये। इसमें आप आइस जमा करके इसको आप पकड़ सकते हो, राइट, इसे होल्ड कर सकते हो। पहले भी मैंने दिखाया था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा उसका जो उस पर मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो मीशो फेल्स है ऐसा करके। तो ये वाला जो है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। आइस थेरेपी चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना इसे आप अच्छे से पकड़ सकते हो बहुत देर तक, आपको टॉवल या किसी चीज़ से आइस को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो ग्रिप है काफ़ी अच्छा बन जाता है, आप देख सकते हो। इसमें जो है मैंने जो ये वाले जो फ्लावर है ना, इसका नाम यार नहीं पता, बेल फ्लावर जो भी है इसका मैंने बनाया, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अच्छा, तो इसमें जो एक हैक है, हैक ये है कि नीचे का जो पोर्शन है ना ये प्लेन वाइट है, आप देख सकते हो ये वाला प्लेन वाइट एकदम प्यारा सा वाइट है। ताकि मैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकूँ तो पहले मैंने इसमें पानी जमा दिया हाफ में, एंड देन उसके ऊपर जो है कैप इस तरीके का डाल करके, एंड देन इसके अंदर से एक यह बना हुआ है वेंट जैसा जिसके अंदर से आप इजीली पानी डाल सकते हो। हालांकि ये बहुत छोटा है, आप फनल वगैरह यूज़ करके इसमें इसके अंदर जो है पानी डाल सकते हो, एंड देन टडा, ये आराम से आप इसे यूज़ कीजिए, कैसे भी आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली वेरी हैंडी और बहुत ही अच्छा। ये आइटम जो है ना मुझे फ्री में मिला था, तो पहला ही मैं आपको बता देती हूँ ये मुझे फ्री मिला है इस आइस ट्रे के साथ। तो आइस ट्रे जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, तो आइटम मिला ना ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी, और ये जो साइज़ है ये देख सकते हो मेरे एंटायर पाम के साइज़ का है, साइज़ अच्छा खासा है एंड वर्थ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। नेक्स्ट है ये वाला आइटम, तो ये मोस्ट जो है अनदर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ये मैंने अपने ब्रदर को जब मैंने विजिट किया था लास्ट मंथ तो मुझे ये मिला उसके पास, उसका वाले की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत हार्ड था। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सेलर का भी जो डिस्क्रिप्शन है ना मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत समय से ना नेक में इधर पेन हो रहा था, एंड ये जो नेक होती है ना इस तरीके की बम्पी, जो मैं पिक्चर अटैच कर देती हूँ तो ये हम्प जैसा हो जाता है ना, इसमें काफ़ी हद तक जो पॉस्चर है बॉडी को करेक्ट करने में हेल्प करता है। ये भी एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं, पर इसने बहुत रिलीफ जो है शोल्डर, जो कोल्ड शोल्डर जैसा मुझे होने लगा था, बहुत पेन होने लगा था उससे मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ दिया, और ये सच में अमेजिंग है, अच्छा है। अच्छा, इसको बेड पे लेकर के मत लेट जाना, ये योगा मैट में लगा करके बेड नीचे लाई डाउन होकर के फ्लोर पर तब इसे यूज़ करिएगा। दिन में 10 to 20 मिनट्स इतना एनफ है, आप जो होता है शव आसन वो इसके ऊपर लेट करके कर सकते हो, अच्छा है। और इसका जो क्वालिटी लगी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, सेलर ने इसके कवर के साथ दिया जो कि अच्छा जेस्चर था। नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये जो है काफी लंबा है, काफ़ी लंबा है ये जो है, इसमें आपके आप देख सकते हो इस तरह से वेलक्रो बना हुआ है। ये है टमी कंट्रोल बेल्ट, यस दिस इज टमी कंट्रोल बेल्ट। आफ्टर डिलीवरी जो पाउचेस वगैरह हो जाते हैं ना पेट में, जो कि हम बहुत समय एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या फिर कह सकते हो कंप्रेस करने के लिए डॉक्टर ने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई होती हैं, लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम की वजह से या टाइम नहीं मिलता उसकी वजह से हो जाता है प्रॉब्लम, तो ये वाला डेफिनेटली आपको सपोर्ट देता है। धीरे धीरे बॉडी रिकवर खुद से भी करती है, पर इसके यूज़ करने के बाद जल्दी रिकवर करती है। लाइक आप देख सकते हो ये इस तरह से आपका बेली पाउच हो जाएगा, भले आपका ये पोर्शन जो है वो अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये आपका इसे बेली पाउच को आपको कम करना होता है, तो आप एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो, लेकिन ये ऊपर दिखा रही हूँ आपको ये ड्रेस के अंदर करना है। आप इस तरीके से इसको, ये वेलक्रो है, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको ये राउंड एंड राउंड आपको ये लेना है, आप
आपने इसे पहन लिया एंड देन इसके ऊपर कोई भी आप कपड़े अगला शेप चाहिए होता है आपकी बॉडी पे, ये आपको दे देता है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसके पहले ना मेरे पास नॉर्मल जो बेल्ट वाला जो लगाते हैं हुक वाला वो भी था, वेलक्रो वाला भी था। मुझे ये वाला जो आइटम है ना ये मुझको बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि इसका इलास्टिक की क्वालिटी है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वेलक्रो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये इसका जो कंप्रेशन है ना वो क्योंकि पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है वो इलास्टिकेटेड है तो मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा। अच्छा, तो अगले आइटम की बात करते हैं। मैंने ये वाला जो आइटम है वो रिसीव किया। ये वाला जो है आईब्रो कलर का जो ये स्पंज होता है ना वो इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है। ये जब मैं इसे खोलती हूँ ना तो अपने आप एक स्प्रिंग लोडेड है जो अपने आप इसको ऐसे कर देता है। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो है स्पंज मटेरियल है आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपके जो बाल्ड पैचेस है, लाइक मुझे भी है बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं है फ्रंट से खास करके, तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है उसके कवरेज के लिए एंड देन आईब्रोज वगैरह आपको बनाने होते हैं तो उसके लिए भी। इसके साथ स्टेंसिल आया है तो उसे लगाने में ना काफ़ी इजी हो जाता है। और कलर इसका काफ़ी नेचुरल ब्राउन है जो इंडियन स्किन टोन को सूट करता है। यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड बाय दिस। जितने भी प्रोडक्ट है ना उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेजॉन लिंक्स भी डाल दूंगी, आपको जहां पे भी ये रीजनेबली अवेलेबल हो वहां से आप परचेज कर सकते हो। बाय द वे मैंने ये मीशो से लिया था और ये सेम टू सेम प्रोडक्ट अमेजॉन में भी सेम प्राइस पर अवेलेबल है। अच्छा, तो अब जैसा कि ये वाली फ़ोटो है ना जब वी मेट में करीना कपूर पूरी पिंक के बाद से ना ऐसा वाला लुक और ग्लो ना अब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये क्या है, आई मीन सी सो 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 ब्यूटिफुल, और ऐसा ही लगना चाहती थी। और ये किसी मेकअप के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, मुझे ऐसा लगता था दिस इज़ समवट लाइक नेचुरल। क्योंकि व्हेन आई वाज इन श्रीनगर तो मेरी दो तीन वहाँ कश्मीरी सहेलियाँ थी जो कि बिल्कुल वैसी ही पिंक हुआ करती हैं और वो बहुत सुंदर लगती थी। ओल्ड कंट्रीज़ में ना अपने आप ही ब्लश हो जाता था, तो मुझे ऐसे किसी चीज़ की ख्वाहिश थी, शौक था जो कि आपको नेचुरली पिंक जैसा या रेड जैसा आपका अंडर स्किन टोन है उसी तरीके से आपका जो फेस जो है वैसा बना दे। तो यस, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये रोजी कोजी ये मुझे बिल्कुल वैसा लगा। इसके जो इतने सारे रिव्यूज़ मैंने देखे उसके बाद मैंने इसे ऑर्डर किया, मुझे जल्दी से रिसीव भी हो गया, मुझे बहुत टाइम नहीं लगा। थैंक यू सो मच सेलर इसको इतनी जल्दी मुझे भेजने के लिए। मुझे ऐसा प्रोडक्ट की ना बहुत सही से मतलब लाइक बहुत टाइम से ज़रूरत थी, एक नेचुरल भी हो और वॉशेबल भी ना हो और उसको फिक्स करने के लिए ना 10 चीज़ और चेहरे पे लगाने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि मेकअप आप नॉर्मली रूटीन में करते हो तो पहले मॉइस्चराइज करते हो, फिर लाइक सनस्क्रीन लगाते हो, देन प्राइमर लगाते हो, देन फाउंडेशन लगाते हो, देन उसके बाद ब्लश लगाते हो एंड कंटूर करते हो एंड ब्लाह ब्लाह ब्लाह, और उसे सेट करने के लिए देन फिनिशिंग पाउडर लगाते हो, देन बहुत ज़्यादा हो गया ना, उसके बाद फिर उसको स्प्रे से भी सेट करते हो, वो भी टिकता नहीं है, वो भी आपके 2-3 घंटे के बाद ना मेल्ट होने लगता है, इसे टचअप की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट आपने ले लिया ना खास करके कॉलेज गर्ल्स, अमेजिंग है, ऑसम है, यू कैन गो फॉर इट। दिस इज़ अवेलेबल इन 3 कलर्स, तो मुझे मेरे जो स्किन टोन है ना वो वीटिश स्किन टोन है, उस पर पिंक कलर नहीं सूट करता, ना ही जो इनका येलो कलर इन्होंने बनाया वो सूट करता, तो मुझे रेड का अंडरटोन बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि हमारे इंडियन डस्की ब्यूटीज़ है ना उन पे बड़ा सूट करता है। तो मैंने ये वाला मंगाया ताकि ये करीना कपूर का ना ये वाला लुक अचीव किया जा सके नेचुरली। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना लिप्स पे सच में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मेरी लिप्स पे, हो सकता है जिसकी जो लिप्स है वो इवन बिल्कुल इवन टोन वाली हो, बहुत ही प्लम्ड अच्छी लिप्स हो जिसकी नेचुरली होती है तो उस पे ये बहुत अच्छा लग सकता है। जिसकी अनइवन जो स्किन टोन है ना लिप्स की उसको ये शायद उतने अच्छे से कवर अप ना करे, बट यस डेफिनेटली आपको जो नोज़ पे और आपके चीक्स पे ये एक बार लग गया ना कसम से जब तक 24 घंटे नहीं बीत जाते ना वॉश करने के बाद भी नहीं निकलता है। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड कुडोस टू जिसने भी ये बनाया है प्रोडक्ट, ये सच में बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। ज़्यादा मेकअप ना मुझे नहीं लगता कि डेली में किसी को चाहिए होता है, और ब्लश वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ केमिकल अल्टीमेटली एंड दिस इज़ बहुत अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने अभी तक पैकेज ओपन नहीं किया है, हालांकि आपके सामने करनी थी तो ये मैंने रखा है। तो ये वाला जो है मुझे क्योंकि हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, साल भर हो गए पर अभी तक सेट नहीं हुए हम लोग, टाइम लग रहा है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने सेट ऑफ 2 मंगाया। होता क्या है कि मीशो में जब हम प्रोडक्ट कोई भी परचेज करते हैं तो लाइक अदर वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, जैसा आपको डिस्क्रिप्शन इमेज में दिखाया जाता है
उस वैसा सेम टू सेम हम एक्सपेक्ट करते हैं. हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको लाइक पिक्चर में सेम पर डुप्लीकेट क्वालिटी, तो आप ऑफकोर्स डिसअपॉइंटेड होते हो. दिस इज़ समवट लाइक दैट. तो इसका जो है फर्स्ट वाला मैंने मंगाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ पिक पे. तो इस पे आप कितनी भी चीज़ें आपने डाल दी आप देख सकते हो. तो ये आराम से इसका लोड ले लिया एंड रोटेट हो रहा है. और ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसके पीछे ये इस तरीके का लगा हुआ है, ठीक है, रोटेट करने वाला. तो इसको आप देखो मैंने पकड़ा हुआ है नीचे से थोड़ा सा और ये इस तरीके से गोल ये घूम रहा है, ठीक है. लेकिन इसकी जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है ना ये बहुत गंदी है. और इमेज में आप देख सकते हो सेलर ने जो टॉप क्लास होता है ना जैसे आइकिया वगैरह में मिलते हैं वैसा प्रोडक्ट उसने दिखाया है. एंड आपके हाथ में जब प्रोडक्ट आया इस तरह का हिलने डुलने वाला प्रोडक्ट आ जाता है एंड देन उसमें दो सामान भी आप रख दो ना उसके बाद ये घूमेगा ही नहीं क्योंकि ये बैठ जाता है. इसके अंदर जो बॉल बेयरिंग वगैरह यूज़ किया हुआ है ना वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं है. ऑल दो जो मैंने प्राइस पे किया ये उसके अकॉर्डिंग ठीक ही है. आई पेड ₹190 समथिंग या नहीं शायद 210 ऐसा मैं निकाल दूंगी. जो भी प्राइस है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी. तो ये मुझको मिला ये दो का सेट एट ऑफ टू और मुझे 197 में वो वाला मिला है वन पीस. तो इसकी क्वालिटी इज़ फार बेटर स्टडी और ये वाली जो है वो हिली डुली सी है. तो साथ में मुझको ये वाला हार्ट शेप का कीचेन भेजा, अनदर गुड जेस्चर. मैं बस मीशो फैन, मैंने मीशो पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो बनाए हैं पर मुझे लास्ट 2-3 मंथ से जो है ना आई एम लिटिल बिट अपसेट, आई मीन शायद टू मच अपसेट क्योंकि वो जो है इनकी रिटर्न पॉलिसी भी सही नहीं हो रही है और वो रिटर्न भी नहीं लेके जा रहे हैं. कभी रिफंड नहीं मिल रहा, कभी कुछ कभी कुछ. तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम है लाइक क्यूसी फेल्ड, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है बड़ी प्रॉब्लम है. इस पे मीशो पे बहुत सारी जो है यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो. आपको चाहिए तो मैं डिटेल्ड वीडियो मेरे साथ क्या क्या हुआ लाइक व्हाट आई रिसीव्ड एंड व्हाट आई ऑर्डर्ड बनाऊँ एक लॉन्ग वीडियो, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. मैं डेफिनेटली बनाऊँगी इस टॉपिक पर क्योंकि मैं बनाना भी चाहती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं. किसी भी कंपनी पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं होती है पर डेफिनेटली जो आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो. आपको शेयर करवानी है मुझसे तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो विथ प्रूफ, मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा सकती हूँ. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. तो आई होप ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करी है. आप इन माय नेक्स्ट वीडियो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए. एंड यस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करना अपने नियर एंड डियर के साथ बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा. चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. बी सेफ, बी ब्यूटीफुल, बी हेल्दी. बाय बाय.